वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में से एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 2 से। लास्ट वीडियो में ऑलरेडी हमने चैप्टर नंबर 2 की इंट्रोडक्शन की, एक्सपोनेंट्स में हम क्या करेंगे इस चैप्टर में एंड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट डिटेल में अंडरस्टैंड कर लिए हैं। एंड एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जिसके 6 पार्ट्स हैं पूरे के पूरे अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। एंड आई होप सारे स्टूडेंट्स ने वो वीडियो अच्छे से देख भी ली है। एंड जो स्टूडेंट्स नए आए हैं, अभी तक वीडियो नहीं देखी, तो आपको उसका लिंक जाके डिस्क्रिप्शन में आपकी क्लास 8 प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। आपकी प्लेलिस्ट का नाम है सुबर मैथ स्टार क्लास 8। आपको सारी वीडियोस आपकी इस बुक से वहाँ उस प्लेलिस्ट से अवेलेबल हो जाएंगी। जी, आप सीधा भी जाके यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो अपनी बुक का नेम सुपर मैथ स्टार चैप्टर नंबर 2 एक्सपोनेंट ब्रिलियंट माइंड्स, तो आपको वीडियो मिल जाएगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। इससे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं या अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए है, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इवेल्युएट करना है हमें 11^-7 डिवाइड हो रहा है 11^-8 से। नाउ हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे अपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। आप सबको पता है हमने एक लॉ किया था कि व्हेन हमारे सेम बेसिस 11 एंड 11 सेम बेस है, सेम बेस डिवाइड होते हैं तो उनकी पावर्स को हम क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट। तो आपको 11 को एक ही बार लिखना है, पावर को कर देना है माइनस। अगर पावर के साथ अपना कोई माइनस है तो वो ब्रैकेट में रख लेंगे। जैसे 7 भी नेगेटिव नंबर था और 8 भी, तो उन दोनों को हमने ब्रैकेट में कर दिया। 11 एज इट इज़ -7 -(+), देन 11^ व्हाट ±, 8 में से 7 गए 1, तो 11 की पावर 1 मीन्स 11, आपका आंसर आ गया 11। देन अब यहाँ पे देखिए अगेन 3 एंड 3 सेम बेस है, डिवाइड हो रहे हैं, पावर होंगी सब्ट्रैक्ट। 3 को एक ही बार लिखना है एंड पावर्स को कर दिया सब्ट्रैक्ट हमने। अब देखिए 9 है यहाँ पे, इसको भी हम 3 का बेस बना सकते हैं जब इवेल्युएट करना है। कैसे बना सकते हैं, 9 के अगर आप प्राइम फैक्टर्स देखें, जैसे 3 3s and 3 1s, तो 9 को आप लिख सकते हो 3^2। तो मैंने 9 की प्लेस पे लिख दिया 3^2 -3। और ऐसा हमने क्यों किया है कि हम सेम बेसिस बना लें, अगर हमारे सेम बेसिस होंगे तो हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 एज इट इज़, यहाँ पे 5 -(+), +5 आ गया आपके पास। देन एक ही बेस की, ये भी हमने लॉ किया था, एक ही बेस के अगर 2 पावर्स हैं, देखिए अंदर भी एक पावर है बाहर भी, और दोनों पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई टू ईच अदर। देन 2 3s are 6 +(-), यहाँ पे क्या है -6। देन अब यहाँ पे दोनों पावर्स को ऐड कर देते हैं, यहाँ पर 5+5 10, 3^-6। देन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सेम बेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी पावर्स को कर देते हैं ऐड। 10 में ऐड कर देते हैं -6, 3 10+(-3), 10 में से 6 गए 4। अब 3^4 मीन्स आपको 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 3 × 3 × 3 × 3 3 3s are 9 3 3s are 9 9 9s are 81। एंड इवेल्युएट करके हमारा आंसर क्या आ गया, 81। अब नेक्स्ट देखिए अगेन 7 एंड 7 सेम बेस हैं। जब भी आपके बेसिस सेम है तो आप एक्सपोनेंट्स के लॉज लगा सकते हैं, अगर आपके सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो रहे हैं या डिवाइड हो रहे हैं। यहाँ पे सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम बेस को एक ही बार लिखेंगे और पावर्स को कर देंगे ऐड। देन डिवाइड हो रहा है वो बाद में सॉल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। देन हमने 7 एज इट इज़ लिख दिया, +(-), 6 में से 4 के आपके पास आएगा 2 डिवाइडेड बाय 7^2। जब सेम बेस डिवाइड हो रहे हैं तो आपको इनकी पावर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे 7 की 2 में से 2 का 0 होता है तो 7^0। अब आप सबको पता है किसी भी बेस का, हमने ये भी लो किया था, किसी भी बेस के अगर पावर 0 है तो आंसर इज़ ऑलवेज 1। तो 7 की पावर 0 है तो आपका आंसर क्या आ गया, 1। ऐसे में सारे मतलब क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1, 2, 3 क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स का आंसर मिल गया। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू। अब हमें इसकी अगेन वैल्यू फाइंड करनी है, तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। 3^0 मीन्स 1 +,
अब प्लस का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, यहाँ पे थ्री और थ्री इनके आप पावर्स को ऐड नहीं कर सकते बिकॉज बीच में प्लस का साइन है, मल्टीप्लाई का नहीं। जब मल्टीप्लाई का साइन होता है तो हम पावर्स को ऐड करते हैं, जब डिवाइड का साइन होता है तो हम पावर्स को माइनस करते हैं, वो भी सेम वेरिएबल में, डिफरेंट वेरिएबल में नहीं। अब यहाँ पे क्या करना है, फोर की पावर टू मीन्स फोर को टू टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए, फोर फोर ज़ा 16, देन थ्री रेज टू पावर टू मीन्स थ्री थ्री ज़ा 9, थ्री को भी टू टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने एक और लॉ देखा था, किसी भी बेस की पावर अगर नेगेटिव हो, जैसे ए रेज टू पावर -7, तो हमें बेस को रेसिप्रोकल कर देना है, हमारी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो ये बन गया 1/7 रेज टू पावर 1। पावर 1 लिखने की कोई नीड नहीं है, बस मैंने जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ अभी लिख दिया है। अब देखिए 9 + 1 10 और 10 + 16 आपके पास बन गया 26 × 1/7, देन 26 × 1 = 26/7, ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले फाइंड द वैल्यू अगेन, पूरे सम में हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है पूरा इवेल्यूएट करके प्रॉपर। तो 2 रेज टू पावर -2 है, तो आप सबको पता है सबसे पहले नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए आप बेस को रेसिप्रोकल कर लेंगे, पावर हो गई पॉजिटिव। अगेन 1/3 पावर 1 1, अब ना भी लिखे तो एज इट इज़ ठीक है, -2 की पावर 3 है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 टाइम्स, तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, आपका आंसर आ जाएगा -8, क्योंकि हमने नेगेटिव बेस को ओड टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस देन प्लस। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, 3 एज इट इज़ सेम बेस डिवाइड हो रहे हैं, इनकी पावर्स हो जाएंगी माइनस, देन माइनस का साइन। अगर आपकी पावर्स के ऑलरेडी कुछ साइंस हैं तो आप उनको भी लिखेंगे। देन किसी भी बेस की अगर पावर 0 है तो आपका आंसर 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1 2 2 ज़ा 4, 2 की पावर 2 है तो 4, देन 3 एज इट इज़ क्योंकि 3 की पावर 1 थी, 3 को 1 टाइम ही मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे अभी -8 एज इट इज़ लिख देते हैं, प्लस 3 -7 प्लस 9 माइनस माइनस प्लस -1, देन 1/4 एज इट इज़ प्लस 1/3 प्लस माइनस माइनस, नीचे 1 ले लेते हैं, प्लस यहाँ पे क्या आ गया आपके पास 3 प्लस माइनस माइनस 3 रेज टू पावर 2, 9 में से 7 गए 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1/4 1/3 -8/1 प्लस 3 का स्क्वायर 3 3 ज़ा 9 -1। अब देखिए जो नंबर सीधे सॉल्व हो सकते हैं उनको फ्रैक्शन में लिखने की भी नीड नहीं है, जैसे हमने यहाँ 1 बनाया था, बट अगर आप सीधा करें, देखिए प्लस माइनस 1 प्लस माइनस माइनस होता है, तो 9 में से 1 गए 8 वो भी पॉजिटिव, एंड नेक्स्ट स्टेप में माइनस प्लस माइनस 8 में से 8 गए 0, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास आ गया 1/4 + 1/3। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, देन 1/4 + 1/3 दोनों का एलसीएम लेंगे 12, 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3, 12 को 4 3 से डिवाइड करेंगे 4, और ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 12 को 4 से डिवाइड किया 3, 3 1 ज़ा 3, 12 को 3 से डिवाइड किया 4, 4 1 ज़ा 4, 4 + 3 7/12 आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस 25 रेज टू पावर -2 एज अ पावर विद द बेस 5। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लिखना है 25 रेज टू पावर -2। अब देखिए 25 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन अगर इसके आप फाइंड करें तो आप लिख सकते हैं, देखिए 5 5 ज़ा 25 5 1 ज़ा, तो आप 25 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 5 रेज टू पावर 2। तो हम 25 की प्लेस पे लिखते हैं 5 रेज टू पावर 2 -2 एज इट इज़ आ गया, क्योंकि वो उसकी पावर है। एंड अब देखिए एक ही बेस की 2 पावर्स हैं, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2 2 ज़ा 4, तो 5 की पावर आ गई -4। अब आपका बेस, उन्होंने कहा था 25 जो है इसका बेस क्या बन जाना चाहिए, 5, तो बेस हमारा 5 हो गया। अब हमारे बेस की पावर क्या है, नेगेटिव -4। क्वेश्चन में ये नहीं कहा था कि हमें पावर भी पॉजिटिव करनी है, तो सीधा आपका यही आंसर आ गया 5 रेज टू पावर -4। हमें बस 25 को एज अ बेस बनाना था 5, वो आप उसके प्राइम फैक्टर्स करके बना सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर, अब 4 के बाद हमारे सिलेबस में है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है सिंप्लीफाई।
सिंपलीफाई में देखिए जहाँ एक्सपोनेंट्स के लॉज लगते हैं आपको लगाने हैं, और सिंपली अगर विदाउट लॉज भी सॉल्व हो सकता है तो हम कर सकते हैं। जैसे अब एक ही बेस की, ये देखिए दो बेसिस हैं, 3 और 2, 3 ओवर 2 उसकी पावर है 2, वो दोनों की पावर है, तो हम इसको सेपरेट ओपन करके लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 4 रेज टू पावर 2 एंड 5 रेज टू पावर 2। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 ज़ा 9 एंड देन 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25। अब यहाँ पे 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, देन 9 4 ज़ा 36, नीचे 25 एज इट इज़, हमारा आंसर आ गया 36/25। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट, -1 रेज टू पावर 3 देन 3 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई -1 रेज टू पावर 3 अगेन 2 की पावर 3। अब -1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर -1 ही आएगा। किसी भी नेगेटिव बेस को ओड टाइम्स मल्टीप्लाई, जैसे 1 टाइम करें, 3 टाइम, 5 टाइम, ओड टाइम मल्टीप्लाई करें तो आंसर नेगेटिव में ही आते हैं। 3 को 3 टाइम्स करेंगे, 3 तो पॉजिटिव है, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो यहाँ लिख देते हैं 27। देन अगेन -1, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 1 1 ज़ा 1 हो जाएगा, तो यहाँ आ गया +1, माइनस माइनस प्लस। अब हमें 27 को 8 से कर देना है मल्टीप्लाई, हमारे पास मल्टीप्लाई करके आ गया 216। अब देखिए अगेन, अब यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, हमारे बेसिस तो सेम नहीं है बट हमारे बेसिस की जो पावर है ना वो नेगेटिव है, तो अगर पावर नेगेटिव है ना तो आप सबसे पहले पावर को पॉजिटिव करेंगे देन हम सम सॉल्व करेंगे। तो हम लिखते हैं 3/2 रेज टू पावर 4, देखिए 2/3 था, हमने बेस को रेसिप्रोकल कर दिया। देन अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, डिवाइड अभी एज इट इज़, 3/1, ये भी पावर हो गई पॉजिटिव। अब 3 रेज टू पावर 4, 2 की भी पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4, 1 की पावर भी 4। 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, जब हम सीधा देखिए, अभी पहले ऐसे भी कर सकते हैं हम मल्टीप्लाई, 1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, ये दोनों नंबर सेम है, एक डिवाइड हो रहे हैं, सीधा कैंसिल हो सकते हैं, जहाँ आप एक्सपोनेंट का लो भी लगा सकते हो कैसे, और सीधा मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं दोनों वे से। एक्सपोनेंट का लो कैसे लगाएंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई वाला मेथड कर लेते हैं, 3 की पावर 4, 3 को कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे क्या था, 2 फ्रैक्शंस डिवाइड हो रही थी इसलिए हमने डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई का साइन लगा के इसको रेसिप्रोकल कर लिया। 2 फ्रैक्शंस डिवाइड नहीं करते, उसको मल्टीप्लाई का साइन लगा के सेकंड फ्रैक्शन को करते हैं रेसिप्रोकल। 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 81, 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा हमारे पास 16, देन 3 को 4 टाइम्स करेंगे 81, 81 81 से कैंसिल, ऊपर 1 नीचे 16, 1/16 आ गया हमारा आंसर। और अगर आपको एक्सपोनेंट का लो लगाना है तो सीधा सेम बेस डिवाइड हो रहे हैं पावर माइनस, तो 3 लिख के 4 -4 हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ गया 1/16। क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने डिटेल में क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं एंड आई होप सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ भी आ गए हैं। इनके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।